दुनिया में आज देखिए, श्रीलंका में गृह युद्ध खत्म होने के 10 साल बाद भी नहीं सुलझी लापता लोगों की गुत्थी। श्रीलंका में तमिल विद्रोहियों के साथ 3 दशक तक चली लड़ाई के दौरान लापता हुए हजारों लोगों का अब तक कोई सुराग नहीं। स्वागत है आपका बीबीसी दुनिया में, मैं हूं विदित मेहरा। श्रीलंका के लापता लोगों की चर्चा के अलावा कार्यक्रम में आज अमेरिका के पूर्वी तट पर समुद्री तूफान फ्लोरेंस की आशंका से लाखों लोगों को घर छोड़ने की सलाह। 9 महीने बाद आखिर घर आई नन्ही गुड़िया वेनेलोपी। जन्म के समय शरीर से बाहर था इस बच्ची का दिल। और मुलाकात कश्मीर के एक नौजवान से जो शादियों में ठुमके लगाकर बहलाता है लोगों का दिल। ये और इसके अलावा बहुत कुछ होगा आज बीबीसी दुनिया में। बुलेटिन की शुरुआत श्रीलंका से, जहां तमिल विद्रोहियों की हार को 10 साल हो चुके हैं, लेकिन अब भी ऐसे हजारों लोगों का कोई पता नहीं है जो उस गृह युद्ध के दौरान लापता हुए थे। एक अलग देश की मांग करते हुए तमिल विद्रोहियों ने वी प्रभाकरण के नेतृत्व में 26 सालों तक श्रीलंकाई सरकार के खिलाफ जंग लड़ी। मई 2009 तक श्रीलंका में गृह युद्ध चला, जिस दौरान 1,00,000 लोग मारे गए और 20,000 लोग अभी भी लापता हैं। श्रीलंकाई सेना पर आरोप है कि उसने कई लोगों को गैर कानूनी तरीके से मार डाला, हालांकि सरकार ने हमेशा इनका खंडन किया है। लापता लोगों के परिवार वाले कई सालों से विरोध प्रदर्शन कर रहे हैं, वो सरकार से इंसाफ की मांग कर रहे हैं। ये लोग जानना चाहते हैं कि जो लोग लापता हुए उनके साथ क्या हुआ, वो कहाँ पर हैं, लेकिन अब तक उन्हें अपने सवालों का संतोषजनक जवाब नहीं मिल पाया है। बीबीसी संवाददाता अनबरासन ने पता लगाने की कोशिश की कि गृह युद्ध खत्म होने के बाद से अब तक श्रीलंका में तमिल समुदाय की स्थिति कितनी बदली। किलिनोची श्रीलंका में पूर्व तमिल विद्रोहियों का मजबूत गढ़। 10 साल पहले जब तमिल विद्रोह अपने चरम पर था, तब ये इलाका तबाही के रास्ते पर था, लेकिन आज यहाँ खासी चहल पहल रहती है। लेकिन कुछ लोगों के लिए जंग के घाव अब भी भरे नहीं है। ये लोग अब भी लड़ाई के दौरान लापता हुए अपने रिश्तेदारों का इंतजार कर रहे हैं। लड़ाई के आखिरी चरण में जब हम विद्रोही इलाके से बाहर निकले, तो हमें तारों की एक बाड़ के अंदर रखा गया। सेना ने विद्रोहियों से संबंध रखने वाले सभी लोगों से आत्मसमर्पण करने को कहा और वादा किया कि उन लोगों को माफ कर दिया जाएगा। तो मेरे बेटे ने अपनी पत्नी और 2 बच्चों के साथ सरेंडर कर दिया। सेना उन्हें एक बस में बिठाकर ले गई। हम रोते हुए ये सब देखते रह गए। हमने तब आखिरी बार उन्हें देखा था। ये महिलाएं अकेली नहीं हैं। 3 दशक तक चले विद्रोह के दौरान करीब 20,000 लोग लापता हो गए, जिनमें ज्यादातर तमिल हैं। आई थिंक एज अ कंट्री, एक देश के तौर पर हम तभी आगे बढ़ पाएंगे जब हम ये मान लें कि लड़ाई के दौरान कई नियम तोड़े गए, जब हम माने कि गलतियां हुई हैं, हजारों लोग लापता हुए हैं। हमें ये मानना ही चाहिए और कसम खानी चाहिए कि दोबारा ऐसा ना हो। Hundreds of people or thousands of people have gone missing. उत्तरी श्रीलंका में बसा शहर जाफना, इसे तमिल समुदाय का सांस्कृतिक शहर माना जाता है, लेकिन लंबे समय से यहाँ बसे तमिलों में एक असंतोष पनप रहा है। उन्हें लगता है कि तमिलों के साथ जो भेदभाव होता था और जिन वजहों से तमिल विद्रोह शुरू हुआ, उनमें से ज्यादातर पर श्रीलंकाई सरकार ने ध्यान ही नहीं दिया। लेकिन सरकार का कहना है कि वो तमिलों की चिंताओं को दूर करने की लगातार कोशिश कर रही है। कहने को तो लोग कुछ भी कह सकते हैं कि लाखों लोग लापता हैं, लेकिन हमें नियमों से चलना होगा। हम यहाँ के हर नागरिक का सम्मान करते हैं। यहाँ किलिनोची में लापता लोगों के परिवार वालों का कहना है कि जब तक उनके रिश्तेदार घर नहीं लौटते, तब तक श्रीलंका में शांति नहीं आ सकती। सच्चे मायनों में लड़ाई भी तभी खत्म होगी जब सब लौट आएंगे। हमने इनसे पूछा वो कब तक विरोध प्रदर्शन करते रहेंगे। इस महिला ने कहा आखिरी सांस तक। और अब खबर अमेरिका से। अमेरिका के पूर्वी तट पर अटलांटिक सागर से एक बड़ा समुद्री तूफान आगे बढ़ रहा है। फ्लोरेंस इस इलाके में पिछले कई दशकों में आया सबसे शक्तिशाली तूफान हो सकता है। एहतियात के तौर पर लगभग 10,00,000 लोगों को सुरक्षित स्थानों पर जाने के लिए कहा जा रहा है।
दैत्य जैसा एक तूफान जिसे भारी बारिश और बाढ़ होने का खतरा है। ये तूफान तेज गति से अमेरिका के पूर्वी तट की ओर बढ़ रहा है। अधिकारियों को डर है फ्लोरेंस तूफान से कई राज्यों में तबाही मच सकती है। सबसे ज्यादा खतरा नॉर्थ और साउथ कैरोलिना और वर्जीनिया को है। ये तूफान नॉर्थ कैरोलिना में पानी भर देगा जो साउथ कैरोलिना से बहता हुआ आएगा, तो पूरी आशंका है कि तटवर्ती इलाकों में बाढ़ जैसी स्थिति बन जाएगी। अभी लगभग 10 लाख लोग सुरक्षित जगहों पर जा रहे हैं। उन्हें नहीं पता लौटने पर उनके पास घर होगा या नहीं। अधिकारी कोई भी जोखिम नहीं ले रहे। ये इस इलाके में ह्यूगो तूफान के बाद आया सबसे बड़ा तूफान हो सकता है। लगभग 30 साल पहले ह्यूगो ने यहाँ जबरदस्त तबाही मचाई थी और कई लोग मारे गए थे। नॉर्थ कैरोलिना प्रशासन फ्लोरेंस तूफान को काफी गंभीरता से ले रहा है और आप लोगों को भी तैयार रहना चाहिए। फ्लोरेंस के साथ साथ इस इलाके में आने वाले दिनों में दो और तूफान आने का खतरा है। अटलांटिक क्षेत्र में तूफानों का मौसम काफी व्यस्त लग रहा है। और अब अमरीका से पाकिस्तान की ओर। हाल ही में पाकिस्तान सरकार ने कहा था कि वो गुरुद्वारा करतारपुर साहिब को भारत के सिख श्रद्धालुओं के लिए खोलने को तैयार है। ये वही जगह है जहां सिख धर्म के संस्थापक गुरु नानक देव ने अपना आखिरी वक्त गुजारा था। बीबीसी संवाददाता उमर दराज नांगियाना की करतारपुर से ये खास रिपोर्ट। पाकिस्तानी हुकूमत ने इस बात का इंदिया दिया है कि वो इंडिया के साथ करतारपुर पवाके जो बॉर्डर है उसको खोलने की ख्वाहिश रखती है या उसके लिए तैयार है। इस हवाले से इंडिया की तरफ से क्या जवाब आता है ये अभी देखना है। ताहम इस हवाले से जो इंडिया के अंदर सिख बिरादरी है उसमें काफ़ी जोश व खरोश पाया जाता है। करतारपुर क्यों इम्पोर्टेंट है, इतनी अहमियत क्या है उसकी? यहाँ पर मेरे साथ मौजूद हैं यहाँ के ग्रांति जो हैं गोविंद सिंह साहब, उनसे ये सवाल मैं पूछता हूँ कि इसकी इतनी अहमियत क्यों, इंडिया में इतना जोश व खरोश पाया जाता है। गोविंद सिंह साहब, उमर भाई, इस जगह की हिस्ट्री है कि इस यहाँ पे बाबा जी ने अपनी ज़िंदगी के आखिरी 18 साल गुजारे हैं और 22 सितंबर 1539 इसी मुकाम पे हक हुए थे, ज्योति जो समाए थे, पर्दा पोश हुए थे। तो उनके 22 सितंबर 1539 मुकाम पे ज्योति जो समाने के टाइम पे मुसलमान भाइयों और गुरु नानक नाम लेवा संगतों का झगड़ा शुरू हुआ था। मुसलमान कहने लगे कि बाबा जी हमारे थे, हम इनको दफनाएंगे। दूसरी तरफ गुरु नानक नाम लेवा के संगतों का कहना था कि बाबा जी हमारे गुरु थे, हम इनका संस्कार करेंगे, स्पुर्दे आतिश करेंगे। तो इसी बात पे झगड़ा चल रहा था। तो बाबा जी को देखने के लिए, फैसला लेने के लिए जब चादर उठाई तो चादर के नीचे बाबा जी नहीं थे, फूल पड़े हुए थे। लड़ने वाले लोग हैरान हो गए। तो फिर उस चादर और फूलों को दो बराबर में डिवाइड किया गया। जो आधी चादर और फूल मुसलमान भाइयों को मिले, उन्होंने अपने धर्म के मुताबिक, अपनी अकीदत के मुताबिक उनको दफना के गुरु साहब जी की दरगाह बना दी। जो गुरु नानक नाम लेवा संगतों को मिले, उन्होंने संस्कार करके स्पुर्दे आतिश करके समाधि बना दी। तो आज दोनों मुकाम बाबा जी के यहाँ पे हैं। ये वो दरगाह, ये जो हम जगह देख रहे हैं, ये गुरु नानक साहब जी की दरगाह है, मज़ार साहब है, जहाँ पे मुसलमान अकीदत के मुताबिक बाबा जी की चादर दफनाई हुई है। और अंदर बाबा जी की समाधि है, अंगीठा साहब है, जहाँ पे चादर को स्पुर्दे आतिश किया गया, संस्कार किया गया। बहुत शुक्रिया गोविंद साहब। मेरे साथ इस वक्त मौजूद हैं साबिक पंजाब असम्बली के मेंबर रामेश सिंह अरोरा साहब। अरोरा साहब, अब तक जो सिख बिरादरी के लोग इंडिया से यहाँ आते थे उनमें से ज़्यादातर लोग यहाँ नहीं आ पाते थे, तो इस के बॉर्डर के खुलने से क्या फ़ायदा होगा? ये बड़ा खुशाइन कदम है। अब बॉल इज़ नाउ इन इंडियन कोर्ट। और मैं ये समझता हूँ कि अभी जो खारजा लेवल की दोनों की डिप्लोमेटिक डिस्कशन होती है तो उसका एक एजेंडा आइटम बनेगा। इधर से हमारा जो फॉरेन ऑफिस है वो और इंडिया का फॉरेन ऑफिस इस पर बातचीत करेगा। डेलीब्रेशन के बाद कोई ऐसा वे आउट निकलेगा कि ये जो कॉरिडोर, ये जो पैसेज बन जाए। और आगे ग्लोबल राउंडअप में देखिए, उत्तर कोरियाई नेता किम जोंग उन ने क्यों लिखा डोनाल्ड ट्रंप को खत और कहां मिले 5वीं शताब्दी के सोने के सिक्के। और अब आज का कार्टून। भाजपा अध्यक्ष अमित शाह ने पिछले दिनों पार्टी कार्यकारिणी में कहा कि उनकी पार्टी को अगले 50 सालों में कोई नहीं हरा सकता। कीर्तिश ने उनके इसी बयान पर बनाया ये कार्टून। कार्यक्रम में आगे है। 9 महीने बाद अस्पताल से घर लौटी वो बच्ची जिसका जन्म के समय दिल था बाहर। और मुलाकात करेंगे शादियों में ट्रांसजेंडर बनकर डांस करने वाले कश्मीरी युवा से। तो मिलते हैं एक ब्रेक के बाद।
स्वागत है आपका बीबीसी दुनिया में, मैं हूं विदित मेहरा। क्या आपने कभी किसी ऐसे व्यक्ति के बारे में सुना है जिसका दिल उसके शरीर के बाहर हो? इंग्लैंड के नॉटिंगम इलाके में एक बच्ची के साथ ऐसा ही हुआ। वेनेलोपी का दिल उसके शरीर के बाहर था, मगर डॉक्टरों ने इसे एक चुनौती की तरह लिया। आखिर 9 महीने अस्पताल में गुजारने के बाद वेनेलोपी पहली बार अपने घर आ सकी है। इस रिपोर्ट की कुछ तस्वीरें आपको विचलित कर सकती हैं। ये लम्हा वेनेलोपी के माता पिता के लिए किसी सपने से कम नहीं है। अस्पताल से वो अपनी बच्ची को घर ले जा रहे हैं सिर्फ एक रात के ट्रायल के लिए। हालांकि इस बच्ची की सेहत में काफी सुधार हुआ है। यहाँ तक पहुँचने के लिए उसने बड़ी लड़ाई लड़ी है। 9 महीने हो चुके हैं और आखिर ये आज अपने कमरे के सामने है। प्रेगनेंसी के दौरान हुए अल्ट्रासाउंड से ये साफ हो गया था कि वेनेलोपी का दिल उसके सीने से बाहर है। जन्म के तुरंत बाद ही अस्पताल ने उसे सर्जरी के लिए भेज दिया। उसके दिल को वापस अंदर रखने और घाव को भरने के लिए 3 ऑपरेशन करने पड़े। बच्चे के माँ बाप को बताया गया कि इसके बचने की संभावना 10% से भी कम है, लेकिन वेनेलोपी सभी अटकलों को झूठा साबित करते हुए यहाँ पहुँची है। इसके शरीर में दिल को सुरक्षित रखने वाली सीने की हड्डियाँ नहीं हैं, इसलिए ये एक बैंगनी रंग का ब्रेस पहनती है। जब ये चलना शुरू करेगी तो ये अहम रोल निभाएगा। आगे आने वाले सालों में इसे कई सर्जरी से गुजरना पड़ेगा ताकि इसके ब्रेस्ट बोन विकसित हो सके। ये जितनी ही बड़ी होगी उतना ही हमारे लिए इसे बनाना आसान होगा। इसी के कार्टिलेज, हड्डियों और कुछ आर्टिफिशियल चीजों की मदद से हम फिर से इसे बना पाएंगे। वेनेलोपी को पास के ही अस्पताल में ट्रांसफर किया गया है। उसकी सेहत में लगातार सुधार हो रहा है, लेकिन सांस लेने के लिए उसे कभी कभी एक मास्क की जरूरत होती है। इसके माता पिता को सिखाया जा रहा है कि इसका ख्याल कैसे रखा जाए। वेनेलोपी के माता पिता को पता है कि आने वाला वक्त उनके लिए आसान नहीं है, लेकिन उन्हें लगता है कि घर में वो उसका अच्छे से ख्याल रख पाएंगे। तो डॉक्टरों की कोशिश और इस नन्ही बच्ची के परिवार वालों के जज्बे ने मौत को हार मानने पर मजबूर कर दिया। कश्मीर में शादी ब्याह के मौके पर ट्रांसजेंडरों के डांस का चलन रहा है, लेकिन बाद में कई पुरुष भी ये काम करने लगे और उनकी वजह से नाच की ये परंपरा अब भी बरकरार है। हालांकि इसके लिए उन्हें भेष बदलना पड़ता है, वो ट्रांसजेंडरों के जैसे कपड़े पहनते हैं। कश्मीर में शादियों में नाच करने वाले ऐसे ही एक नौजवान से बात की बीबीसी संवाददाता रियाज मसरूर ने। स्कूल में टीचर अक्सर गाने और डांस करने के लिए मेरा उत्साह बढ़ाते थे। मैं जो भी करता था उन्हें बहुत पसंद आता था। बस वहीं से इसकी शुरुआत हो गई। फिर मैं आगे बढ़ता गया और मेरी कला को पहचान मिलती गई। वैसे तो लोगों को पता होता है कि कौन ट्रांसजेंडर है और कौन नहीं, पर मेरे काम के लिए कोई मुझे हिजड़ा भी बोले तो मुझे कोई फर्क नहीं पड़ता। मैं हमेशा ऐसे ही गाता और नाचता रहूंगा। मुझे पता नहीं इस काम से मैं पैसे कमा पाऊंगा या नहीं, पर मैं बेहद खुश हूं, संतुष्ट हूं और इसके लिए खुदा का शुक्रगुजार हूं। चुका जिंदगी में यू। ये कला हमारे लिए खानदानी है और हमारी रगों में बसी है, पर मैं नहीं चाहता कि मेरे बच्चे शादियों में ऐसे नाचें, वेडिंग डांसर बने। मैं चाहता हूं वो पढ़ें, नाम कमाएं। नाम तो मैंने भी कमाया है, पर मैं नहीं चाहता कि ये काम मेरे बच्चे भी करें। और ब्रेक के बाद आपको दिखाएंगे किस देश ने लगाई हिंदू मंदिरों में बलि पर पाबंदी, और सरीना विलियम्स पर बना एक कार्टून क्यों है विवादों में। तो मिलते हैं ग्लोबल राउंडअप में एक छोटे से ब्रेक के बाद।
स्वागत है आपका बीबीसी दुनिया में, मैं हूं विदित मेहरा और अब वक्त है बीबीसी ग्लोबल राउंडअप का और पहली खबर अफगानिस्तान से। अफगानिस्तान के नंगरहार प्रांत में हुए एक आत्मघाती हमले में 19 लोगों की मौत हो गई है। इससे पहले हुए दो धमाकों में 5 लोग घायल हुए। पहला धमाका लड़कियों के एक स्कूल के पास हुआ, वहीं दूसरा उसके नजदीक ही एक स्कूल में हुआ। श्रीलंकाई सरकार ने कहा है कि वो वहां के हिंदू मंदिरों में जानवरों और पक्षियों की बलि पर रोक लगा रही है। एक सरकारी प्रवक्ता ने बताया कि धार्मिक मामलों के मंत्रालय के अनुरोध पर सरकार ने यह फैसला लिया। वहां रहने वाले कुछ हिंदुओं का कहना है कि इससे उनकी धार्मिक आस्था को ठेस पहुंचेगी। रूस आज से 5 दिनों तक चलने वाला सैन्य अभ्यास शुरू कर रहा है। उसका दावा है कि ये अब तक का सबसे बड़ा सैन्य अभ्यास होगा। पूर्वी साइबेरिया में होने वाले सैन्य अभ्यास में चीन की कुछ सैन्य टुकड़ियां भी हिस्सा ले रही हैं और इस अभ्यास में करीब 3,00,000 रूसी सैनिक होंगे। अमरीका ने कहा है कि उत्तर कोरिया के नेता किम जोंग उन ने राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप से एक और मुलाकात का अनुरोध किया है। अमरीका ने जवाब में कहा है कि वो पहले से ही एक बैठक करने पर विचार कर रहा है। व्हाइट हाउस की प्रवक्ता सारा सैंडर्स ने इसे उत्तर कोरिया का सकारात्मक कदम बताया है। राष्ट्रपति ट्रंप के साथ एक और बैठक का अनुरोध करने के लिए ये खत लिखा गया है। हम भी इसके लिए तैयार हैं और पहले से ही इसे तय करने की प्रक्रिया में हैं। और इसके अलावा खबरों में है टेनिस खिलाड़ी सेरेना विलियम्स पर बना ये कार्टून जो कि विवादों में आ गया है। इसे ऑस्ट्रेलियाई कार्टूनिस्ट मार्क नाइट ने बनाया। लेखिका जे.के. रोलिंग ने कहा कि ये कार्टून काफी सेक्सिस्ट है, तो कईयों को लगा कि इसमें यूएस ओपन चैंपियन नायोमी ओसाका की जीत को महत्व ही नहीं दिया गया। ये है सोने के सिक्के जो कि 5वीं शताब्दी के रोमन साम्राज्य के आखिरी दौर के हैं और ये उत्तरी इटली के शहर कोमो में खुदाई के वक्त मिले। विशेषज्ञों के मुताबिक सुराही में मौजूद इन 300 सोने के सिक्कों की कितनी कीमत होगी इसका अंदाजा भी नहीं लगाया जा सकता। और 30 साल के बाद अब दिखेंगे ब्रिटेन के सोमरसेट की नदियों में सैकड़ों पानी वाले चूहे। एक संरक्षण प्रोजेक्ट के तहत ऐसा किया गया ताकि उनकी संख्या में इजाफा हो। 80 के दशक में उन्हें उदबिलावों ने लगभग खत्म ही कर दिया था, पर अब नेशनल ट्रस्ट कॉन्वर्सेशन ने सोमरसेट की 6 जगहों में सैकड़ों चूहों को छोड़ा हुआ है। और कल हम आपको दिखाएंगे क्यों दक्षिण अफ्रीका में हर साल मारे जा रहे हैं हजारों गैंडे और इनमें ऐसा क्या खास है जिसकी वजह से तस्कर इनके पीछे पड़े हैं। देखिए बीबीसी की ये इन्वेस्टिगेटिव रिपोर्ट कल शाम 6 बजे बीबीसी दुनिया में। तो कार्यक्रम से जुड़े किसी भी टॉपिक पर आप मुझे सीधे ट्वीट कर सकते हैं। मेरा ट्विटर हैंडल है @bbcvidit। आज के लिए इतना ही। बीबीसी दुनिया के साथ हम कल फिर इसी वक्त हाजिर होंगे।